पुंडरी का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। पुंडरी विधानसभा जब से अस्तित्व में आई है तब से अब तक यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ही विधायक चुने गए हैं। इस बार भी मुकाबला कड़ा रहने वाला है क्योंकि बीजेपी ने एडवोकेट वेदपाल को टिकट दिया है, तो उसे टक्कर देने के लिए दो दो निर्दलीय चुनावी रण में है। कमजोर विपक्ष और लोकसभा चुनावों में जीत से लबरेज बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव में सत्ता वापसी करना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन सूबे में कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसी ही एक सीट है कैथल जिले की पुंडरी विधानसभा, जहां बीजेपी को टक्कर देने वाले खुद उनके अपने ही है। एक वो जो 2014 में बीजेपी उम्मीदवार था और एक वो जिसने मोदी लहर के बीच पुंडरी से चंडीगढ़ विधानसभा तक का सफर किया और जीतने के बाद बीजेपी को समर्थन दिया। इस बार बीजेपी ने यहां से एडवोकेट वेदपाल को चुनावी रण में उतारा है। बीजेपी के लिए यहां से फूल खिलाना आसान नहीं होगा क्योंकि पिछले चुनाव में हारने और हराने वाले दोनों नेता बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं। 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे रणधीर गोलान और निर्दलीय विधायक दिनेश कौशिक बीजेपी को टक्कर देंगे। 2014 में रणधीर गोलन बीजेपी के प्रत्याशी थे। रणधीर गोलन को दिनेश कौशिक ने पटखनी दी। रणधीर गोलन टिकट वितरण तक बीजेपी के साथ रहे। दिनेश कौशिक ने बीजेपी को समर्थन दिया। इस बार दोनों ही पुंडरी से टिकट के प्रबल दावेदार थे। टिकट कटने के बाद दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। माना जा रहा है कि दोनों को शांत करने के लिए बीजेपी ने एडवोकेट वेदपाल को टिकट दिया है, लेकिन अब दोनों ही प्रत्याशियों ने बीजेपी के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए हैं। ऐसे में बीजेपी को यहां से कड़ी टक्कर मिलना तय है। राजनीतिक हालात तो फिलहाल ये बता रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार यहां से जीत का स्वाद चख सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर आजाद प्रत्याशी यहां से जीतता है तो वो किसको समर्थन देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।